ओके हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद आज ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम क्विज नंबर 6.1 यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, यानी कि 6.1 से 6.5 तक हम ये यूनिट कवर करेंगे। चलिए, मैं हूँ सूरज और इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर आपको UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है तो ये इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अब हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन सेवरल प्रिंसिपल्स विच वन ऑफ विच इज। ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? ए लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो। ऑप्शन बी सत्यमेव जयते। ऑप्शन सी पंचशील। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर देना है तो इन वीडियोस को, इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके आप इसका आंसर कहीं भी अपने साथ में कॉपी में कहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका सी पंचशील। अब देखिए, पंचशील प्रिंसिपल क्या है? पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आपस में हम, मतलब दोनों राष्ट्र आपस में एक दूसरे के सम्मान करेंगे किस विषय में? ऑफ देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। उनका जो टेरिटरी है, उस कंट्री टेरिटरी है, आपस में हम एक दूसरे की कंट्री की टेरिटरी का और उसकी सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा हमारे मन में। सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपका नॉन अग्रेशन। हिंदी इसका क्या होता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन नॉन अग्रेशन मतलब क्या होता है? ये हम हमलावार नीति नहीं अपनाएंगे, एकदम एक्सप्रेसनरी पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं अपनाएंगे। जैसे कि चाइना का थोड़ा सा आप देखते होंगे अग्रेशनरी नीति इसकी होती है, पॉलिसी होती है, लेकिन इंडिया का क्या है? नॉन अग्रेशन। ओके, इसके बाद थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स यानी कि हम एक दूसरे राज्यों में या एक राष्ट्रों, हम कह सकते हैं एक दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, वी विल नॉट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी अदर स्टेट्स। ओके, फोर्थ क्या है? फोर्थ है म्यूचुअल कोऑपरेशन। ओके, फोर्थ है आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन। एंड लास्ट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि साथ में हम एक दूसरे के साथ शांति से अच्छे से एक साथ रह पाएं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब देखेंगे ये सारे पॉलिसीज मोर और लेस चाइना से अब अगर रिलेट करेंगे तो सभी कुछ उल्टा ही नजर आता है, लेकिन ये पॉलिसी मेनली चाइना के लिए ही बनी थी, पंचशील प्रिंसिपल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। डैश वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड भीमराव अंबेडकर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का आपको याद होगा एंट्रिम गवर्नमेंट कब बनी थी आपके 1946 में। तो उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रीमियर के अलावा, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री बनने के अलावा, उस टाइम पर क्या थे? वो विदेश मंत्री भी थे, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के भी वो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, और अब देखेंगे आर्टिकल 51 है ना, इंटरनेशनल पीस की जो बात करता है, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंसर्ट किया गया, और मोर और लेस उसमें भी जवाहरलाल नेहरू का अच्छा खासा योगदान था। आर्टिकल 51 से ही हमारा पूरा का पूरा इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिकोड होता है वहीं से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम।
विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? स्टेटमेंट कौन कौन से हैं आपके? फेथ इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सेकेंड इज हेल्प इन द फ्रीडम ऑफ स्लेव कंट्रीज, थ्री अपोजिशन टू इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, एंड फोर अपोजिशन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, आपने पंचशील अभी पढ़ा तो कोऑपरेशन की बात तो करता ही है। ठीक है, हमें ये स्लेव कंट्रीज का नहीं पता यार, हमने अभी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अपोजिशन टू इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, इंडिया खुद कॉलोनी था, इतना मेहनत से तो आज़ाद हुआ था, तो इसका तो विरोध करेगा, ये भी सही है। एंड अपोजिशन ऑफ टेररिज्म, कश्मीर के मामले में इतना परेशान इंडिया है, इसका तो कॉमन सेंस की बात है, टेररिज्म का अपोजिशन करेगा ही करेगा। अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो भी देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में फोर है, क्योंकि ये तो एकदम श्योर है कि हाँ इंडिया टेररिज्म का अपोजिशन करता है। अब देखिए इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, ऑल ऑफ द अबव, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो द पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन, आपके ऑप्शन है इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड रशिया, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका बहुत इजी आंसर है, क्या हो उसका हो जाएगा आंसर? बी, इंडिया एंड चाइना। अब देखिए आपको याद होगा कि जो मैंने अभी पहले बताया था मैंने कि उस टाइम पर चाइना के जो प्रीमियर थे चाउ एन लाई, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर चाउ, ये नाम भी इन लोग का ऐसा ऐसा होता था ना, चाउ इन लाई, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों ने एकदम पंचशील समझौते पर साइन किया था। ठीक है, उसका मेन मोटो क्या था? फाइव पंचशील का मतलब क्या था? फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएक्जिस्टेंस। ठीक है, ओके, अब कमेंट में बताइएगा कि पंचशील अग्रीमेंट कब हुआ था, ये जो भी सिंसियर स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर रहा होगा कम से कम आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ पंचशील एग्रीमेंट किस ईयर हुआ था। ओके, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नैम स्टैंड्स फॉर, नैम आपके ऑप्शंस क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल मिशन, बी नॉन अलाइंड मूवमेंट, सी नेशनल एटॉमिक एनर्जी मिशन, एंड डी नॉन अलाइंड मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो बोल लीजिए आप, ये क्या हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू ख़त्म हुआ तो उसके बाद शुरू हो गया आपका कोल्ड वॉर, किसके बीच में? यूएस और यूएसएसआर। तो उस समय यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे आपकी जोसेफ टीटो, ठीक है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, ठीक है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, और इसके बाद ये आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना हुई। अब देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस हैं, जैसे कि बांडुंग कन्वेंशन। अब बांडुंग कहाँ पे है आप जानते होंगे? हाँ ओके, तो इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ये बांडुंग आपका पड़ता है इंडोनेशिया में, कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। ठीक है, देखिए कुछ लीडर्स थे उस टाइम के, जैसे यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू हो गए, इजिप्ट के नसर हो गए नसर, और इंडोनेशिया के सुकर्णो। ठीक है, तो ये 4-5 लीडर्स ऐसे थे जो कि इन्होंने मिल करके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी। ओके, मैं आगे भी बताऊंगा इन सभी के बारे में। चलिए तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन अलाइनड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया होस्टेड नैम यानी कि नॉन अलाइनड मूवमेंट समिट इन, तो इंडिया होस्टेड नैम समिट इन, आपके ऑप्शन हैं 1981, 84, 83 एंड 85। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1983 में सेवेंथ समिट हुआ था, सेवेंथ नैम समिट हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी, तो इंडिया ने इसे होस्ट किया था। ठीक है, ओके, अब देखिए देख लेते हैं कि हाँ जो बड़े बड़े, देखिए ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, ये आप इंडिया फॉरेन पॉलिसी का सिलेबस देखेंगे आप तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया ने इसमें अच्छा खासा टाइम इसमें स्पेंड किया है, तो
ये ध्यान देना चाहिए आपको कि हाँ कितनी समिट्स इंडिया में इसकी हुई हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट एंड इन द ईयर। ओके अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं कि कहाँ हुई थी और इन द ईयर। अब देखिए अगर ऐसा ऑप्शन होता कि इस सेम ऑप्शन और दो डिफरेंट ईयर तो कन्फ्यूजन होती। यहाँ पर तो ऑप्शन भी इतने इजी दिए हुए हैं कि नैम समिट यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट वो समिट कॉमन सेंस की बात है कि यूएस और सोवियत यूनियन इन दोनों में तो नहीं होगी। चलिए तो बच्चा कौन आपकी इंडिया और इजिप्ट। ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा आपका इनमें से आपको चूज करना है। तो फिर भी अगर आपको दोनों नहीं भी आ रहा है तो भी आपके पास 50% चांस है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है आपसे। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इजिप्ट कायरो। कायरो इजिप्ट की राजधानी थी तो वहाँ पर ये समिट हुई थी। 19 कब हुई थी समिट ये आपकी सॉरी यस तो ये समिट आपकी कब हुई थी 1961 में। ठीक ना वहाँ पर उस टाइम नसर शासन कर रहे थे वहाँ के जो रूलर थे नसर नसर इसके अलावा टीटो जवाहरलाल नेहरू सुकर्णो ये सब लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर। ओके और एक बात और नैम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं ना कि ये फर्स्ट समिट यहाँ पर हुई थी। ठीक है फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस नैम का जो विचारधारा जो पनपी थी यहाँ एक ऐसा मूवमेंट चलाना चाहिए हमें दोनों ब्लॉक में से किसी में शामिल नहीं होना चाहिए ये हुआ था आपका बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जो कि 1955 में हुआ था। बांडुंग कहाँ पर है इंडोनेशिया। लेकिन इसके अलावा एक बेलग्रैड में एक मीटिंग हुई थी बेलग्रैड कहाँ पड़ता है यूगोस्लाविया में जोसेफ टीटो के अंडर में मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर नैम का फॉर्मली स्थापना की गई थी। और पहली प्रॉपर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था इजिप्ट में उसी साल 1961 में इजिप्ट में हुआ था। ठीक है तो आपको ये याद रखना है बेलग्रेड कहाँ पड़ता था उस टाइम के यूगोस्लाविया में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ऑप्शन से आपके फोकस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बी डिसआर्मामेंट डी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब तो सुनने में सब अच्छा लग रहा है यार ये सब सपोर्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन डिसआर्मामेंट ये भी अच्छी बात है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी अच्छी बात है। तो देखिए नैम बेसिकली उन कमज़ोर देशों का एक समूह था कह सकते हैं आप उस समय उस टाइम के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से जो इस बात से डरे हुए थे कि अगर हम इनमें से किसी एक ब्लॉक में शामिल होते हैं तब उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और हम जो नई नई सत्ता पाए हुए नए नए जो इंडिपेंडेंस पाए हुए हैं हमारी वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है तो ये सारी चीज़ आप देख रहे होंगे कि एक पीसफुल सोसाइटी की स्थापना करने की बात यहाँ पर हो रही है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डिसआर्मामेंट। ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन सही होंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द टर्म नॉन अलाइंड अलाइनमेंट वॉज क्वाइंड बाई आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू बी महात्मा गांधी सी वी के कृष्ण मेनन एंड डी इंदिरा गांधी। चलिए अब देखिए इसमें से इंदिरा गांधी को पहले काट देते हैं क्योंकि इनसे पहले ही नैम की स्थापना हो चुकी थी। अब बचते हैं जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी और वी के कृष्ण मेनन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा वी के कृष्ण मेनन। अब देखिए वी के कृष्ण मेनन उस टाइम पर इंडियन एम्बेसडर थे यूएन में। ठीक है इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड किंगडम भी थे उसके बाद फिर यूएन में भी ये इनको भेजा जाता है। बाद में ये 1953 में ठीक है यूएन में अपनी स्पीच दे रहे थे वहाँ पर उन्होंने पहली बार वी के कृष्ण मेनन ने नॉन अलाइनमेंट वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है उन्होंने ये वर्ड शुरुआत की थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने कोलंबो में एक स्पीच दी थी वहाँ पर पहली बार ये बात बोली थी। अब देखिए थोड़ी मोटी बात हम जान जाते हैं वी के कृष्ण मेनन के बारे में ये एक बाद में पॉलिटिशियन भी बने और देखिए इन्हीं के रक्षा मंत्री रहते हुए आपको याद होगा कि इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 का। ठीक है 1962 का
एंड इट वॉज वेरी बिग फेलियर ऑफ हिम जो इंडिया की उस वॉर में काफ़ी बुरी कंडीशन हुई थी। चलिए हम आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। NPT स्टैंड फॉर, आपके ऑप्शंस हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बी नेशनल पाइप टेपर, सी नेशनल प्रोग्राम ऑफ टीचिंग एंड डी नेशनल प्रोपेगेंडा फॉर ट्रेनिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन टेक्नोलॉजी। नॉन प्रोलिफरेशन नाम ही इसका नाम क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहले आ चुकी है वो अब ज़्यादा इसका विस्तार ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री न्यूक्लियर पावर वाली ना बन जाए। इसके लिए एक बात और, इसके अलावा ये क्या करता है? ये कोशिश करता है कि सभी जो पहले से न्यूक्लियर एनर्जीज हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में कौन कौन था, USA, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, इसके बाद आते हैं आपके इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ के बीच, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के, USA, USSR उस टाइम का, फ्रांस, इंग्लैंड और चाइना, इन न्यूक्लियर एनर्जी पावर्स के पास के बीच पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहे। और बाद में इन्होंने अपने गोल में एक बात और ऐड की कि हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के गोल को अचीव करेंगे और धीरे धीरे करके कंप्लीट डिसआर्मामेंट करेंगे। ये बातें बस कहने की होती हैं। ठीक है, ये जो डिसआर्मामेंट कि इतनी जो आर्म रेस में शामिल नहीं होना चाहिए हमें, हमें मैक्सिमम आर्म्स को अपने ख़त्म करना चाहिए, हटा देना चाहिए अपनी, जहाँ पर हम भी हम आर्म इकट्ठे करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे हमें ख़त्म करना चाहिए और फाइनली पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें होती हैं डिसआर्मामेंट की, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ओके, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा, न्यूक्लियर वेपन एनर्जी नहीं, एनर्जी इज़ ए पॉजिटिव टर्म एंड न्यूक्लियर वेपन इज़ ए नेगेटिव टर्म, तो न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड को रोकने के लिए है और बाद में जो भी पहले से न्यूक्लियर वेपन से उनको डिसआर्मामेंट किया जाए उसके लिए। चलिए, तो आज की क्विज यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ठीक लगी तो शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारे इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।